आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। मणिका में सरकार ने नहीं किया खेल मैदान का निर्माण, तो खेल प्रेमियों ने श्रमदान से खुद किया खेल मैदान का निर्माण। मणिका प्रखंड के अंतर्गत जुंगूर पंचायत में ग्रामीणों द्वारा श्रमदान कर गांव के खेल प्रेमियों, खिलाड़ियों एवं ननिहालों के लिए एक खेल के मैदान का निर्माण कर रहे हैं, ताकि क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा एवं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं अपनी कौशल प्रदर्शन के लिए एक अदत मैदान उपलब्ध हो सके। वहीं जुंगूर ग्राम के ग्रामीण अंकज उराव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा पंचायत के सी मैदान को श्रमदान के माध्यम से निर्माण किया जा रहा है। और भी अच्छी बात रहती अगर स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि का सहयोग प्राप्त हो, ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी कला का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए एक बेहतर मैदान उपलब्ध हो सके। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार खेल तथा खिलाड़ियों के प्रति काफ़ी सजग है, कई तरह के अवसर भी प्रदान कर रही है, लेकिन यह अवसर ग्राम स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पूरे ग्राम के लोगों की तरफ से एक बार फिर स्थानीय प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि इस मैदान को बनवाने में हमारा सहयोग करें, ताकि इस क्षेत्र में खिलाड़ियों को तराशा जा सके, जो आगे चलकर राज्य तथा देश का प्रतिनिधित्व कर सके। हमारे क्षेत्र में खिलाड़ियों एवं उनके कौशल का विकास किया जा सकता है, जिसका परिणाम आने वाले समय में काफी सुखद एवं सकारात्मक मिल सकता है। छोटू कुमार के साथ बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। ये जो ग्राउंड है, ये किनके सहयोग से बनाया जा रहा है? ये ग्राउंड जो है हमारे ग्राम जुंगूर के लोगों द्वारा चंदा इकट्ठा करके बनाया जा रहा है। अगर इसमें हमारे क्या बोलते हैं, अगर कुछ सरकारी फंड से अगर इसको बनाया जाता तो बहुत अच्छा बनता है। हम लोग खेलने के लिए दिक्कत होता है, इसीलिए गांव वाले लोग ने घर घर चंदा किया और इसको इतना तक लाया है। अभी तो कोई सरकारी मदद इस फील्ड बनाने में, इस फील्ड को बनाने में कोई सरकारी मदद नहीं मिली है अभी तक। क्या आप उम्मीद करते हैं? अगर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज डेट में खेल में सरकार बढ़ावा दे रहा है, परंतु यहाँ स्थानीय लोग अगर सपोर्ट करते तो बहुत अच्छा की बात है।